कोरोना संक्रमण की परेशानी में राहत देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से फ्री में गेहूं बांटे जा रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर के सागवाड़ा में मुफ्त के गेहूं में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पर धोखाधड़ी करके 21 जिलों के 137 राशन कार्ड धारकों को 29 क्विंटल 73 किलो गेहूं अनुचित तरीके से उठाकर गरीबों का निवाला छीन लिया है। पंचायत समिति के पादरा लैम्स के सेल्स मैनेजर ने प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों उपभोक्ताओं की राशन कार्ड आईडी हैक कर पास मशीन से सीधे मुफ्त का गेहूं डका लिया। डूंगरपुर रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावना को देख सरकार ने पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन की बाध्यता हटा रखी है। इसके आड़ में जिले के पादरा लैम्प्स अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकान से विभाग के पोर्टल पर अन्य जिलों के राशन उपभोक्ताओं की आईडी हैक की गई है। इससे सीधे ही उन परिवारों के नाम से गेहूं को डूंगरपुर से उठा लिया गया। प्रदेश के 21 जिलों के जिला रसद अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति विभाग से पत्र प्राप्त होते ही डूंगरपुर रसद विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दुकान का रिकॉर्ड जब्त कर मौका पर्चा बनाया। रसद विभाग ने लैम्प्स मैनेजर और सेल्समैन के खिलाफ सागवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। सेकंड के डीलर लैम्प्स व्यवस्थापक पादरा के व्यवस्थापक एवं उनके सेल्समैन हेमराज डीडोर के द्वारा पॉज मशीन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो पोर्टेबिलिटी राज्य सरकार द्वारा राशन धारकों के सुविधा के लिए की गई है, जिसमें गंभीर अनियमितता करके 21 जिलों के 137 राशन कार्ड धारकों का 29 क्विंटल के लगभग गेहूं पॉज ट्रांजैक्शन करके फर्जी तरीके से उठा लिया है।